परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी के सांजी के चरणों में नमस्कार करता हुआ, माता जी और गुरु गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हुआ, आज का यह होली शिविर नागपुर में कोकाटे जी के पुत्र जयंत कोकाटे और उनके जिस श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं, मैं तो समझता हूँ उनके ऊपर गुरु कृपा है और उनके पिताजी की कृपा है जो इतने श्रेष्ठता के साथ उत्साह के साथ मना रहे हैं। उनका ये उत्साह ऐसा ही बना रहे, शक्ति ऐसी बने रहे, ऐसा ही पुनः उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही शिविर मनाते रहें। हमारे तांत्रिक क्षेत्र में होली की रात्रि, शिवरात्रि और दीपावली की रात्रि, यह तीन भी रात्रियाँ तंत्र क्षेत्र की श्रेष्ठ रात्रियाँ कहलाई जाती है और इन तीन रात्रियों में की गई साधना शीघ्र सफलतादायक होती है। मनना त्रायंतीति मंत्रः, तन्ना त्रायंतीति तंत्रः ऐसा कहा गया है। जो मंत्र को 100,000 जप करने पर भी सिद्ध नहीं होता, वो इन तांत्रिक रात्रियों में केवल 10 माला करने से भी सिद्ध होता है, ऐसा तंत्र के माध्यम से कहा गया है। जैसा कि हम एक बार प्रयत्न करके देखें, जिसमें यंत्र हो और उसके साथ मंत्र हो और उसके साथ उसकी तांत्रिक प्रक्रिया हो, तो निश्चित रूप से हमें सफलता हाथों हाथ मिलती है। जैसे आजकल हम देखते हैं, पहले दिया लगाने के ज़माने में कांच को पूछना पड़ता था, कंदीले बनाना, गैस डालना, किरोसिन डालना पड़ता था या तेल डालना पड़ता था, बत्ती लगानी पड़ती थी, उसको पूछ कर दिया लगाना बहुत समय की बात थी, वो चलती थी। लेकिन आज बटन दबाते ही अपने को उजाला आ जाता है। और ये बटन दबाने की क्रिया है, यह एक तंत्र क्षेत्र में तंत्र है, इसमें यंत्र को रखा गया है, बटन दबाया गया, इस शीघ्रता को तंत्र क्षेत्र में एक विशेष क्रिया के साथ किया जाता है। और होली की रात्रि यह ब्रह्मरात्रि कही गई है, शिवरात्रि की रात्रि शिव पार्वती की, और लक्ष्मी की रात्रि लक्ष्मी और विष्णु की रात्रि। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम दीपावली की रात्रि के दिन किए जाने वाली साधनाएँ जितनी भी हैं, वो अगर हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं तो श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करने वाली, धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्र आदि को, घर धन धान्य को देने वाली है। शिवरात्रि के दिन मोक्ष की रात्रि, कुंडलिनी की रात्रि, कुंडलिनी जागृति की जागृति की रात्रि, और इस संसार में मोह माया से छुटकर एक ऊपर की तरफ पैन या गमन करने की रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। और आज होली की रात्रि को ये ब्रह्मरात्रि कही है। इसमें मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त करने की रात्रि को होली की रात्रि कहा गया है। तुम्हारे जीवन में अगर तुम ये चाहते हो कि मुझे ये बनना ही है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तब अगर अपने गुरुचरणों में बैठे हुए हो तो उसको साधने की रात्रि होली की रात्रि कही गई है, ये ब्रह्मरात्रि है। इसलिए इसमें आप कहते हैं कि हम जितने भी आज तक जो दानव हुए या राक्षस हुए, उनको ब्रह्मा जी ने ही आशीर्वाद दिया। चाहे रावण हो, रावण तो ब्रह्मा के पुरस्त्य ब्रह्मा मानस पुत्र पुरस्त्य के होते थे, उसी प्रकार कश्यप, ये सारे ऋषि जितने भी हैं, ये ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, इन तांत्रिक रात्रियों में ही उन्होंने साधनाएं संपन्न की और जो चाहा वो प्राप्त किया। वो किसी इस बात के लिए इसमें पाप है या इसमें पुण्य है, इस बात की कोई चिंता नहीं करते थे। मुझे ये चाहिए चाहिए, शिवजी का आत्मलिंग चाहिए, तो रावण ने प्रयत्न किया और आत्मलिंग प्राप्ति की प्रक्रिया की। चाहे किसी भी प्रकार की हमारी इच्छा को पूर्ण करने की क्रिया अगर इस होली की रात्रि के दिन की जाती है, तो हम या पापी हो या पुण्यवान हो, यह तंत्र क्षेत्र में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली रात्रि कही गई है। और इस चीज़ को जो साधक इसका उपयोग सदुपयोग करता है, उसकी मनोकामनाएं नहीं, वह एक श्रेष्ठ जीवन जीता है। आज हम समाज में देख रहे हैं एक भयभीत जीवन है, कल क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, नौकरी नहीं मिली, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली, ये सारी चिंताएं हमें सताती हैं। तुम दूसरे किसी भी मंत्रों से, मंत्रों के माध्यम से उसको एक लंबा प्रोसीजर है, तुम ये इसी प्रकार के कपड़े पहनो, इसी प्रकार का रंग का माला उपयोग करो, ये करते हुए तुम आगे बढ़ो और तुम्हारे को
इस साधना में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए करना हो। इस रात्रि में केवल होली जलने के बाद, होली का दहन होने के बाद उसका भस्म लगा लो और तुम साधना संपन्न करो, तुम जो इच्छा करते हो, लेकिन तुम्हारे में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि इस रात्रि में भूतों के गण या देवताओं के गण, ये सारे गणों की रात्रि होती है और ये पूर्ण शिवजी की कृपा के साथ, ब्रह्मा जी की कृपा के साथ, विष्णु की कृपा के साथ, महालक्ष्मी महर्षि महाकाली की कृपा के साथ ये सब नृत्य करने वाले गण कहलाए जाते हैं। ये खुशी के साथ है, इसका कारण भी इसके पीछे है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, ते बंद कर आवाज बिंदु, अपने जीवन में जब हम हताश हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब अगर हम होली के रात्रि में अपनी मनोकामना पूर्ण करने वाली कोई भी साधना संपन्न करते हैं, तो चाहे हम पापी हो या पुण्यवान, ये होली की रात्रि में उस तंत्र में वो गण शिव जी, ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं और कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, मैं तुम्हें जो चाहता हूँ, तुम जो चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इन रात्रियों में साधारणतः यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच, इनकी साधनाएं बहुत ही सफलीकृत होती हुई देखी गई है, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र इस रात्रि को जब वशिष्ठ के आश्रम में बैठे हुए थे तो सारा पतझड़ होकर सारे झाड़ के पत्ते सब नीचे गिर गए थे, सब शिष्य गए थे, गुरु जी सब पत्ते झड़ गए हैं पेड़ से, ऋषि आश्रम पूरा गंदा हो गया है, पूरा वन गंदा हो गया है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि तुम उन पत्तों को और उन पेड़ों के उस क्रियाओं को लेकर आ जाओ और तुम्हें इसे एक रात्रि में आज के दिन इसे जला दो, और इसका नाम होलिका रखा गया। हम बाद में त्रेता युग से, सतयुग से, द्वापर युग से आज कलयुग तक देखते हैं, होलिका दहन के प्रति युग में एक एक कहानी रखी गई है। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी होलिका दहन की कहानी, उसके बाद त्रेता युग में शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने जब उन पर बाण चढ़ाया था तो शिवजी ने कहा कि ये पतझड़ के ज़माने में सब कुछ हरा हरा कैसा हो गया। कामदेव ने ऐसा चलाया कि अच्छे अच्छे फूल खिलने लगे। कामदेव ने जब शिवजी पर बाण छोड़ा और वो एकदम योगी बन गए थे, उनको काम वासना नहीं हो रही थी, शादी करनी थी, और सब देवताओं को ये था कि शिवजी का जो पुत्र होगा वही तारकासुर का मारने वाला कह जाया जाएगा, और पुत्र का होना ज़रूरी था। अगर शिव इसी प्रकार योगी या सन्यासी बनकर बैठे रहें तो कब माता पार्वती से उनका मिलन होगा और कब कि उनके पुत्र का जन्म होगा और इस तारकासुर का वध होगा, ये सोच रहे थे। इसलिए सभी ने मिलकर कामदेव को कहा, ये कामदेव तुम शिवजी में वो कामना जागृत करो। कामदेव को पता था कि अगर शिवजी को क्रोध आया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, लेकिन देवता कार्य के लिए उसने शिवजी जहाँ तपस्या करते हुए बैठे हुए थे वहाँ उन्होंने अपना काम बाण छोड़ा। छोड़ते ही सारी पृथ्वी पर हरा भरा, वहाँ सब जो पतझड़ हो गया था, पत्ते फल्गुन मास में तो पत्ते झड़ जाते हैं, सारा सूख गया था। ऐसे समय में काम बाण के छोड़ने के बाद सब हरे भरे हो गए, अच्छे सुवासन, अच्छे गंध आने लगी, तो शिवजी को एकदम लगा इस फाल्गुन मास में इतना हरा भरा होना या ये सारी चीज़ें हुए कैसी। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह कामदेव का काम है, उसने किया है, उन्होंने कहा कि तपस्या भंग करने के लिए यह कार्य कर रहा है, इसलिए उन्होंने कामदेव को जला दिया। ये त्रेता युग की कहानी हुई, और इसमें जब कामदेव जल गए तो कामदेव की पत्नी रति ने आकर शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या हुआ, वो देवता कार्य करने के लिए, तारकासुर वध करने के लिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए सारे कर रहे थे और उसके कारण वो बने। शिवजी ने रति की प्रार्थना, सारे देवताओं की प्रार्थना सुन ली और कहा द्वापर युग में कृष्ण जन्म लेंगे तो कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर कामदेव पैदा होंगे और कामदेव पैदा होने के बाद इस रसहीन पृथ्वी को फिर रसवान बनाएंगे और रासलीला करेंगे गोपिकाओं के साथ, वह भी होली का दिन ही होगा। ऐसा भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया और द्वापर युग में कृष्ण ने अपनी रासलीला रचाई, यह वही दिन था। इस प्रकार कलयुग में इन तीनों युगों को एक साथ लेते हुए होली का दहन हम संपन्न करते हैं, और अघोर हो या मांत्रिक हो या तांत्रिक हो या साधक हो, इस दिन निश्चित रूप से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए एक साधना जरूर करता है। इस साधनाओं में चाहे हम भैरव की साधना लें, चाहे हम यक्षिणी की साधना लें, अप्सरा की साधना लें, या किस रसायन की साधना लें, इसमें शिव, ब्रह्म, विष्णु और देवता के गण, भूतगण, पेतगण, पिशाचगण,
यक्ष गंधर्व किन्नर, इन सभी की साधनाओं को करते हुए आप जो मांगोगे वो प्राप्त होगा, ऐसा इस अघोर रात्रि को या इस होली की रात्रि को कहा गया है। तांत्रिक विषयों में होली की रात्रि में होलिका को दहन करने के बाद उसका भस्म लगा लेकर अपने गुरु के समक्ष या अपने गुरु के कहने पर जो भी साधनाएं संपन्न करता है वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है, चाहे वो इच्छा आपकी कैसी भी हो।